बढ़िया, मुझे लगता है ये अच्छा लगेगा। मेरे बाइसेप्स देखो मॉली। वो हो, देखो कौन आ रहा है। उप्स, बहुत स्लॉपी है। लूजर, मुझे मदद करने दो। उप्स, इसे देखो, क्या हमें हमारे दोस्त के मास्टरपीस में उसकी मदद करनी चाहिए? बढ़िया, ये ऐसे ज्यादा अच्छा लगेगा। तुम क्या कर रहे हो? तुमने सब खराब कर दिया, पूरे काम पर पानी फिर गया। मुझे तुमसे नफरत है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? सब खत्म हो गया। हेलो, हाँ, हे, क्या हुआ? अच्छी फोटो है, वो इसके लिए बहुत सारे पैसे देंगे। बिल्कुल, मुझे उससे बात करनी होगी। हे, मैं तुम्हारी पेंटिंग खरीद रहा हूँ, ये शानदार है, ये अब तुम्हारा है। कितने जीरो है? मुझे भरोसा नहीं हो रहा, मैं अमीर हो गई। हाँ, देखो ये वही है। हटो, मेरे रास्ते से हटो। अमीरी और पॉपुलैरिटी की दुनिया में स्वागत है। तुमने ये देखा? ये कॉर्टनी है। वाओ, और हमारी स्टार आ रही है। हे कॉर्टनी, वो सुंदर दिख रही है। हेलो, ये बहुत सुंदर है। माफ करना मॉली, अब ये तुम्हारी चेयर नहीं है। बैठो बेबी। ओह नहीं, इस बार नहीं। ये बहुत कूल है, मुझे कुछ सोचना होगा। हाँ, पजामा पार्टी की टिकेट्स। नहीं नहीं, शुक्रिया। ये लो कॉर्टनी, मुझे फ्लावर से एलर्जी है। ठीक है, अभी एक और चांस है। कॉर्टनी, देखो हमारी कितनी सारी यादें एक जैसी हैं। अच्छे दोस्त ऐसे ही दिखते हैं। मुझे नहीं लगता। चिंता मत करो कॉर्टनी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। बिल्कुल सही। अभी क्या हुआ है? किसने मेरे ऊपर पेपर का टुकड़ा फेंका है? फिर से नहीं, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। बस, ये तुम्हें कैसा लगा? ऐसा लग रहा है आज किसी का बुरा दिन है। ऐसा ही होता है। स्कूल का कैफेटेरिया कॉर्टनी के स्टाइलिश कैफे में बदल गया है। मैं इसके बारे में बहुत लंबे समय से सपना देख रही थी। ये दोनों फिर से, और मैं उसे मार रहा था। ये सब कहाँ से आ गया है? सुंदर है। खैर, वेलकम। ये ऐसे ज्यादा सुंदर दिख रहा है, इतनी जल्दी नहीं जैक। उप्स, मॉली, वो क्या था? मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो आज हम लंच में क्या खाएंगे? ओह बिल्कुल, वेटर। ओह, यहाँ पर वेटर भी है। शुक्रिया, मोल्डी चीज मेरी फेवरेट है, ये बहुत अच्छा है। ओह हाँ, प्लीज तुम भी लो। ये बहुत क्रिएटिव है, मुझे लगता है इसे खाना सही रहेगा। ओह, ये स्मेल, कुछ गड़बड़ है। डरो मत, मुझे पता है तुम्हें पसंद आएगा। मजेदार फ्लेवर है। बढ़िया, मेरे पास भी कुछ है, मोल्डी ब्रेड। तुम क्या कर रहे हो? तुम इसे नहीं खा सकते हो। जीज, तो पास्ता कैसा रहेगा? ज्यादा बेहतर है। हम इसे ऐसे करते हैं। एक सेकंड, चिली सॉस पास्ता के साथ अच्छा रहेगा। यही है जिसकी आपको जरूरत है। शुक्रिया, बस थोड़ा सा, किसी और को भी चाहेंगे? बिल्कुल। हम क्या बात कर रहे थे? इसे वापस दो। रुको, इसमें कुछ गड़बड़ है। आ, मेरा मुंह, ये तीखा है। पानी, जल्दी। फ्यू, अब मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे इस तीखेपन को कम करना है। फ्यू, अब थोड़ा ठीक है। उप्स, नहीं, मेरा पेट। यहाँ से हटो। रुको, नहीं, ये बुरा है। नहीं, उसकी हिम्मत कैसे हुई? मुझे भरोसा नहीं हो रहा। बस बहुत हुआ, अब ये पूरी तरह से खत्म हो गया है। वाओ, यही मेरा मौका है। मैं, वो और उसका पैसा। मुझे अभी कुछ करना होगा। हे दोस्त, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या हुआ? उस लड़की को देख रहे हो? तुम्हें बस इतना करना है कि उसे लूटना है, बाकी का मैं संभाल लूंगा। उसे लूटना है, मैं करूंगा। हाथ उठाओ।
ये रॉबरी है। What? मुझे अपना बैग दो अभी। नहीं प्लीज मत करो। कोई बात नहीं बेबी, सुपर जैक मदद करने के लिए आ रहा है। बचाओ। परेशानी? तुम्हें पहले मेरा सामना करना होगा। ये लो ये लो ये लो, तुम इसे मार दोगे। ये लो और ओह हाँ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। हेलो, यहाँ आ जाओ। कुछ हुआ है? इन दोनों को लगता है ये स्मार्ट है। बस एक सेकंड यंग मैन, आप कुछ वापस लौटाना भूल गए हैं। ये रहा बैग, ये लीजिए मिस कॉर्टनी, मुझे लगता है इसमें सब कुछ है। मुझे उम्मीद है कि सभी को उनका प्रोजेक्ट याद है। ये सही है मॉली, मुझे लगता है हमें तुमसे शुरू करना चाहिए। बढ़िया मैक्सिको, शानदार लोग, ये आपको डांस करवा देगा। बहुत अच्छा, मुझे ये पसंद आया। तुम अपनी सीट पर जा सकती हो। अब जैक, मुझे लगता है तुमने भी ऐसा ही मजेदार कुछ तैयार किया होगा। शानदार माइम, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। मुझे तो वो बहुत अच्छे जैक। हाँ ये फ्रांस है, बढ़िया। और अब कॉर्टनी, हाँ हाँ एक सेकंड, असिस्टेंट यहाँ आओ। जापान से आए हमारे मेहमान से मिलिए। बैम बैम, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मेरे साथ आओ। ठीक है हम आ गए हैं। यहाँ पर किसको जापानीज फूड पसंद है? फ्रेश फिश से सुशी बनेगी। भरोसा नहीं होता, वो इसे कैसे कर रहा है? इसे खाना अच्छा रहेगा। ये तो कमाल है। मुझे लगता है आप थोड़े से गंदे हो गए हैं। ये अब तक का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट था, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये सही नहीं है, जलन हो रही है। खैर ये होता है, स्पोर्ट्स में एक अच्छा वार्म अप सबसे जरूरी चीज है। हाँ बिल्कुल। वाओ, वो सुंदर दिख रही है। मुझे पहली चीज जो दिखी मैंने ले लिया। काश मेरे पास भी इतने डायमंड्स होते। दुखी मत हो, ये टाइम बिजी होने का है। जैक मदद करो। चलो भी थोड़ा और, तुम्हें यहाँ एक ट्रेनर की जरूरत है। खैर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हमारा विनर यहाँ है, सबसे अच्छा कोच। सच में मैं इसका सपना बहुत टाइम से देख रहा हूँ। इतने बड़े हो गए हो और तुम अभी भी फेरी टेल्स में भरोसा करते हो। तुम्हें बहुत पसीना हो रहा है। ओह नहीं कॉर्टनी, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। दरअसल ये बहुत आसान है, तुम्हें यकीन है? ये बहुत डरावना है। डरो मत। ठीक है चलो करें। 1 2 1 2। नहीं प्लीज मत करो, हम देखेंगे कौन कौन है। माफ करना, हमें और प्रेशर लगाना होगा। तुम पागल हो। चलो भी, जैक इससे भी अच्छा कर सकता है। बचाओ बचाओ, बहुत हुआ बहुत हुआ, पकड़ो, तुम बस इसी के लायक हो। वाओ हे भगवान, अच्छे आर्म्स है, बिल्कुल सही। नहीं मेरी रिंग। हे दोस्तों, ये मेरा सेल्फ केयर का दिन है। मैं एक शानदार हेयर कट करवाने वाली हूँ। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, हम अब कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सब तैयार कर लिया है। शुरू करते हैं, चलो कर्लिंग से शुरू करते हैं। ओह ये अजीब फीलिंग है, नई टेक्नोलॉजी। नहीं मदद करो, इस चीज को मुझसे दूर करो। वो क्या था? दोस्तों मैं वापस आ गई। डरो मत, ये बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। ओह नहीं मेरे बाल, अब हम क्या करें? ये बुरा है, अब हर कोई हंसेगा। मुझे उम्मीद है मैं ज्यादा लेट नहीं हुई हूँ। हे तुम्हें क्या हुआ है? ओह कॉर्टनी, ये अच्छा हेयर कट है, तुमने ये देखा? कॉर्टनी का नया ट्रेंड, सच में इसकी उम्मीद नहीं थी। गुड मॉर्निंग क्लास, यहाँ क्या हो रहा है? ओह कॉर्टनी, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो, तुम मुझे अपना हाथ दोगी? जरूर, हम क्या बात कर रहे थे? खैर देखो बच्चों, इसी को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज बोलते हैं, बहुत आसान और सस्ता है।
खैर स्ट्रेच करने का समय हो गया है, तुम्हें आज सबसे टॉप फॉर्म में रहना है। भूलना मत मौली, तुम्हारा मुझ पर एहसान रहेगा। ओह कोई बात नहीं, मदद करो। नहीं नहीं नहीं, ये काम नहीं करेगा, मैं तुम्हें एक बार सिखाऊंगा। देखो इसे कैसे करना है, थोड़ा और। उप्स, कुछ गड़बड़ हो गई है, मेरी मदद करो। ठीक है मौली, मैं ये नहीं सुनना चाहता, इसे यहाँ रखो। और एक भी सवाल नहीं। माफ करना मैं लेट हो गई, मैं आपके लिए कुछ ले आई हूँ। बुरा नहीं है। ओह ये कुछ भी नहीं है, एक सेकंड। ये लो, ये अब तुम्हारा है। आप ये कैसे कर सकते हो? मुझे ये सही लगता है, यहाँ से बाहर जाओ। बढ़िया, अब हम शुरू कर सकते हैं, क्यों नहीं, शुरू करो। ओह हाँ, आज मेरा दिन है, हम इसे देख लेंगे। फ्लाइट अच्छी रहे। ओह नहीं, मदद करो, ये बहुत स्लिपरी है, मैं गिर रही हूँ। वाओ, मुझे लगता है मैंने कर लिया। शानदार, अच्छा है, बहुत अच्छा। सच में ये सब मेरे लिए है, ये बहुत अच्छा है, मैं इसे और नहीं झेल सकती हूँ। अब वो गई। यहाँ कोई नहीं है। खैर ये टाइम इसे थोड़ा अच्छा बनाने का है। कूल, तुमने वो देखा? ये सच में बुरा है, माफ करना मैं लेट हूँ। जल्दी करो कॉर्टनी, अब काम शुरू करने का समय हो गया है। ये प्लान जरूर काम करेगा, प्रिंसिपल इसकी तारीफ करेंगे। ये सही है, हो गया, बस हो गया, टाइम हो गया, चलो करें। वहाँ एक स्पाइडर है। क्या हुआ? तुम्हें प्रिंसिपल को बचाना होगा, तुम सच बोल रही हो? बिल्कुल। सुनिए, मुझे लगता है यहाँ कुछ है। ओह नहीं, मेरी विग, ये तुमने क्या किया? बाहर जाओ अभी। ओह नहीं, ये कैसे हुआ? मैं अच्छा करना चाहती थी। मुझे माफ कीजिए मिस्टर विल्सन, हमें आपसे कुछ कहना है। ये कॉर्टनी की गलती नहीं थी, ये सब हमने किया है। सच में? कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या करना है। माफ कर दो कॉर्टनी, ये बहुत बुरा प्रैंक था। मिस्टर विल्सन अब गुस्सा नहीं है, सच में? हाँ हम दोस्त हैं। ओह ठीक है, मुझे पता है क्या करना है, अब इसे कोई नहीं निकाल पाएगा। ओह हाँ, ये अच्छा और टाइट है। एनी के स्कूल में कोई कैसे रह सकता है? वो क्या तुम अभी तक पढ़ाई करके थकी नहीं? एनी को कोई नहीं संभाल सकता, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी नहीं। मिस काइलर, एक नए लुक के बारे में क्या ख्याल है? कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर देती हूँ, पर आर्ट बोरिंग है। हे, क्या तुमने मेरा नया स्केटबोर्ड देखा? हॉल में ग्राइंडिंग करने के लिए तैयार हो, चलो जाओ दोस्त, चलो। ओ नहीं एनी, फिर से संभल के। उप्स, ये रुकने के लिए सही जगह नहीं है। वाह, ये तो कमाल का कंटेंट है। बहुत हो गया एनी, तुम तो गई, तुम्हें एक हफ्ते के लिए सस्पेंड किया जाता है। हेलो सभी को, माफ करना मैं लेट हो गई, मैं आना ही नहीं चाहती थी। अपनी सीट पर बैठो एनी। हाँ हाँ, शुरू करो मिस काइलर, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं यहाँ हूँ। अफसोस, ऐसी लड़कियाँ शांत नहीं रह सकती, वो बस शरारत करना चाहती हैं। शांत रहो एनी। ओह ठीक है, तुम सब कितने बोरिंग हो, तुम्हें बिल्कुल भी मस्ती करनी नहीं आती। और ये सब डेनिस की गलती है, वो टीचर से शिकायत करता है, बदला लेने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। क्या तुम्हें पसंद आया? प्लीज अब रोना मत बच्चे, तुम इसे क्या कहोगे, अपना सिर बचा के। पर स्पिट प्रैंक काबू से बाहर हो गया। उप्स, एनी ने बिल्कुल सही निशाना लगाया, पर उसे कोई अवार्ड नहीं मिलेगा। एक हफ्ते के लिए सस्पेंड। केमिस्ट्री बहुत सीरियस है, हमें जल्दी पर संभल कर काम करना होता है। केमिकल इक्वेशन गलतियां बर्दाश्त नहीं करती। कॉर्टनी तुम्हारी बारी, चलो काम पर लग जाए। सब कुछ सही लग रहा है, एक आखिरी रिएक्शन बचा है। हेलो एक्सपेरिमेंटर्स, क्या तुमने मुझे मिस किया? हट जाओ, एक माहिर को करने दो, हम ये लेंगे, हम इसे यहाँ डालेंगे। रुको एनी, तुमने सब खराब कर दिया। डेनिस जल्दी, रिएक्शन को अभी बचाया जा सकता है। काम करो डरपोक,
अब मैं आराम करने वाली हूँ। ये बस हो गया। उफ, नीचे झुको अभी। हे, क्या चल रहा है? क्या ये कोई प्रैंक है? एनी, तुम फिर से वही कर रही हो। तुमने लगभग स्कूल को उड़ा ही दिया था। मैंने कुछ नहीं किया। सस्पेंड। अब कुछ नहीं। तुम आके का स्नैक खा सकती हो और दूसरों का खाना ज्यादा टेस्टी होता है। लालची मत बनो दोस्तों। क्या बात है, यहाँ पर सॉस भी है। मिस काइलर भी लंच कर रही है और कोई फास्ट फूड नहीं। खाना खूबसूरत होना चाहिए। ठीक है, मैं जा रही हूँ। मजे करो। क्लास है कैनी, पर आज कोई लंच नहीं। एनी, ये मेरी सबसे स्पेशल ड्रेस थी। चलो भी, ये फैशन बहुत पुराना हो चुका है। सस्पेंड। पुराने प्रैंक हमेशा काम करते हैं। थोड़ी मौज मस्ती के बारे में क्या ख्याल है मिस काइलर? ये एक इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। हे, तुम क्या कर रही हो? एनी, डेनिस, तुम इन सबसे दूर रहो। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं मिस काइलर को बताने जा रहा हूँ। खैर, वो देख लेंगे। थोड़ी सी डक टेप और पड़ाकू काबू में है। शांत रहो दोस्त। और आप मिस काइलर बैठ जाइए। आउच, दर्द हो रहा है। वाह, क्या सुर है, कितना भद्दा मजाक है। मिस काइलर, ये एनी की गलती है। ओ नहीं, डेनिस, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? हर प्रैंक की एक सजा होती है। एनी, तुमने हद पार कर दी है। मेरे स्कूल से बाहर निकल जाओ। एनी के पास प्रैंक का भंडार है। और फिर ये रहा चिपचिपा प्रैंक, ग्लू और ट्रेडमिल। ये बहुत बढ़िया जोड़ी है। ये सदी का सबसे बड़ा जोक बन जाएगा। थोड़ा यहाँ पर डालो और थोड़ा सा यहाँ। सबसे जरूरी टीचर की सीटी। उफ, वो आ भी गए। क्या तुम लेट हो? मैं काफी समय से वर्कआउट कर रही हूँ। दोस्तों, हम वार्म अप से शुरू करते हैं। ओ, हे भगवान, तुम इस ट्रैक पर ज्यादा नहीं भाग सकती। ऐसा कौन कर सकता है? और डेनिस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है। ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलो डेनिस, हमें दिखाओ ये कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत हो गया। उप्स, मिस काइलर अब जल्दी बात नहीं कर पाएंगी। आखिर ये क्या है? लगता है मिस काइलर को यहाँ काफी देर रुकना होगा। पीई क्लास एक ऑब्स्टिकल कोर्स में बदल गई। मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ एनी, तुम सस्पेंडेड हो। ओ, चलो भी, क्या आपको मजाक भी समझ नहीं आता? लिटरेचर से नींद आती है, सबसे ताकतवर ही बच सकता है। छोटी सी छपकी लेना ही अच्छा होगा। आजादी, आखिरकार बेल बज गई। सब घर चले गए, सब सिवाय एनी के। और ये सफाई का वक्त है। ओह, हेडफोन्स लगाकर साफ सफाई। ये इंटरेस्टिंग प्रैंक करने का अच्छा मौका है। संभल कर प्रिटी लेडी, वो अपनी जान बचाने के लिए भागो और फिर कभी मेरी नींद खराब मत करना। मिस काइलर, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। क्या आप विश्वास कर सकती हैं? मैं समझती हूँ। आराम से, ये रही वो। तुम सब जानती हो एनी, तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। म्यूजिक क्लास में इस खूबसूरती के बारे में पढ़ेंगे। क्या तुम क्लासिक को एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हो? बस, बहुत हो गया। मिस काइलर को कोई रोक नहीं सकता। इसे सुनो, क्या जादुई आवाज है? ओ नहीं, ये म्यूजिक नहीं, टॉर्चर है। एक सेकंड बच्चों, मैं अभी आती हूँ। मिस काइलर, ये आपकी गलती है और कोई क्लासिक्स नहीं, सिर्फ नए जमाने के हिट्स। चलो मजे करें दोस्तों। चलो इस पार्टी से दीवारें हिला दें। ये क्या है, एक भूकंप या एनी की शरारत? म्यूजिक बंद करो। एनी, मेरे स्कूल से निकल जाओ। तुम सस्पेंडेड हो और तब तक वापस मत आना जब तक तुम्हारा म्यूजिक का टेस्ट ना बदल जाए। कपड़ों की दुकान एक अलग ही दुनिया होती है। हर लड़की को शॉपिंग करना पसंद है, चाहे वो टीचर ही क्यों ना हो। मिलकर अच्छा लगा मिस काइलर, लगता है फिटिंग आने वाली है। स्माइल करो, आप रिकॉर्ड हो रही हैं मिस काइलर। हो गया। वाओ,
ठीक है, क्या तुम तैयार हो? वीडियो को स्कूल चैट में भेज दिया। ओह, नया मैसेज, क्या तुमने ये देखा? वाह, कितनी अच्छी एक्ट्रेस है, वो कितनी अजीब है, पर मिस काइलर सब संभाल लेंगी। मुझे एनी को उसी की भाषा में समझाना होगा। तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। ओह, जो भी हो, मैं तुम्हें अगले हफ्ते देख लूंगी। इस लेसन से बचाया नहीं जा सकता, कितना बोरिंग है। पर एनी के पास बैकअप प्लान है। मिस काइलर, क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? जहाँ जाना है जाओ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था मिस प्रिंसिपल। चलो स्कूल में थोड़ी भगदड़ मचाई जाए। क्या ये सायरन है? ये तो फायर अलार्म है। अपनी जान बचाकर भागो, ये काम कर गया। जियोमेट्री को ऐसे कैंसिल किया जाता है, और जब तक स्कूल खाली है तुम जो चाहे वो कर सकते हो। प्रिंसिपल का भी नया टाइटल है। ओह, और उनके पोर्ट्रेट को थोड़े फोटोशॉप की जरूरत है। असलियत से कितना मिलता जुलता है। हमें घर जाते हुए भी मस्ती करना नहीं भूलना चाहिए। ये पुराना प्रैंक है, पर ये काम करता है, और हर सीक्रेट खुल ही जाता है। तुम तो गई, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। यंग लेडी, पुलिस स्टेशन चलो। हेलो मिस काइलर, हमने चोर को पकड़ लिया। आखिरकार एनी मेरी स्टूडेंट है, और वो बहुत शैतान है। अब देखते हैं आकर तुमने किया क्या है। कितनी बेरहम है, कितनी गलत है। फैसला हो चुका है, और इस पर सवाल नहीं किया जा सकता है। सस्पेंडेड। म्यूजियम कितना इंटरेस्टिंग है, शैतान एनी के लिए भी। तुम बहुत सारी सेल्फीज ले सकते हो। ओह, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। घबराओ मत, किसी ने नहीं देखा। ओह, बचाओ, मुझे क्राइम सीन से दूर जाना होगा। आज एनी की किस्मत अच्छी नहीं है, ये एक एक्सीडेंट था, कसम से। एनी, तुम फिर से? मुझे कोई शक भी नहीं है। दोस्तों, मेरे पीछे आओ, और अब म्यूजियम को रिपेयर करना होगा। तुम स्कूल के बच्चों को अंदर नहीं छोड़ सकते। है? तुम तो जानती ही हो एनी। सस्पेंड, तो मुझे चलना चाहिए, है ना? चलो। बाय बाय। यहाँ तक कि रिबेल्स की भी कमजोरी होती है। खैर खैर, शायद एनी को प्यार हो गया है। ओ नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ, क्या करूँ? मेरा प्यारा बेटा इस बेवकूफ के जाल में फंस गया। मैं तुम्हें बचाऊंगी डार्लिंग। एनी, अभी के अभी मेरे ऑफिस में आओ। इस बार क्या हुआ? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। रुको, मैं एक मिनट में आती हूँ। ओह, टिपिकल मॉम। प्रिंसिपल, मैं यहाँ हूँ। हॉल में गले मिलना मैं अलाउ नहीं करूँगी। तुम्हें सस्पेंड किया जाता है, ये सही नहीं है मिस काइलर। पर प्रिंसिपल के साथ बहस करना सही नहीं है। तुम बच गए। एनी, तुम कहाँ जा रही हो? इस बारे में कुछ करना होगा। ये कुछ बदलाव करने का वक्त है। अच्छे कामों के लिए स्कूल कैसा रहेगा? हे लड़कियों, अच्छा, ओह, मुझे माफ करना, यहाँ सब स्ट्रिक्ट है ना? मुझे यहाँ पढ़ने दो। क्या तुम टेस्ट के लिए तैयार हो एनी? बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। ये पकड़ो बेस्टी। ओ नहीं, बिल्कुल तमीज नहीं है। हमारे स्कूल के बारे में सपने में भी मत सोचना। लड़कियों, हम जा रहे हैं। खैर, शायद एनी को सुधारा नहीं जा सकता।